नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मीसो के नए अपडेट के बारे में। जी हां, मीसो ने अपने आरटीओ एंड रिटर्न पॉलिसी को अपडेट किया है। तो क्या बदलाव हुआ है और कैसे ये सेलर्स को बेनिफिट पहुंचाने वाला है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। काफ़ी अच्छा अपडेट है, इससे डेफिनेटली सेलर्स को बेनिफिट होने वाला है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लिया है। सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद जाना है नोटिस वाले ऑप्शन में, और नोटिस वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप स्लाइड जो है वो आपको अप करना होगा। उसके बाद आपको ये जो अपडेटेड रिटर्न आरटीओ एक्सेप्टेंस पॉलिसी फॉर टेम्पर्ड शिपमेंट्स है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप भी अच्छे से इसे रीड कर ले। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं रिटर्न आरटीओ में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू रिड्यूस द इशू ऑफ टेम्पर्ड शिपमेंट वी हैव अपडेटेड आवर रिटर्न डिलीवरी प्रोसेस। मीन्स कि जो टेम्पर्ड शिपमेंट जो डिलीवर होते थे रिटर्न में, उस इशू को कम करने के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया है रिटर्न आरटीओ पॉलिसी को। तो क्या बदलाव किए गए हैं, चलिए देखते हैं। एट डोर स्टेप डिलीवरी सप्लायर्स हैव टू चेक द कंडीशन ऑफ द पार्सल्स। इफ द आउटर पैकेजिंग लुक्स टेम्पर्ड और डैमेज्ड, सप्लायर शुड रिजेक्ट द शिपमेंट विद रिमार्क्स। सप्लायर शुड एक्सेप्ट ओनली द शिपमेंट्स विच आर इंटैक्ट और इन गुड कंडीशन। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कुरियर वाले रिटर्न शिपमेंट लेके आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से उस शिपमेंट को चेक करना है। अगर उसमें थोड़ा भी टेम्पर्ड आपको लगता है या डैमेज लगता है तो आपको शिपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको शिपमेंट तभी एक्सेप्ट करना है जब वो शिपमेंट बिल्कुल अच्छे कंडीशन में हो, बिल्कुल कहीं से टेम्पर्ड या डैमेज ना हो, तभी आपको वो जो शिपमेंट है वो एक्सेप्ट करना है। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं रिजेक्ट करने के, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉलोइंग शिपमेंट्स कैन बी टर्म्ड एज टेम्पर्ड शिपमेंट है, जैसे डैमेज्ड आउटर पैकेजिंग। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका आउटर पैकेजिंग अगर डैमेज है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। एडिशनल टैप ऑन पैकेट, अगर आपके पैकेट में कोई भी एडिशनल टैप लगाया हुआ है कुरियर के द्वारा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। शिपमेंट कंटेंट जो है वो मिसमैच हो रहा है, अगर शिपमेंट का कोई कंटेंट है जो आपने भेजा था उससे मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। उसके बाद है कि आरटीओ फ्लायर डिफर फ्रॉम फॉरवर्ड फ्लायर। मीन्स आप जो शिपमेंट के समय में जो आप लेबल चिपकाते हैं उसमें जो प्रोडक्ट रहता है, अगर वो डिफर है, हल्का भी चेंजेज है उसमें, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। और अगर आपने जो लेबल चिपकाया है उसमें अगर आपको कुछ टेम्पर्ड लग रहा है, लेबल में फटा हुआ है या ऐसा कुछ भी आपको उसमें डाउट लगता है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब आप शिपमेंट को रिजेक्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मीसो जो है वो थर्ड पार्टी को बोलेगी कि आप जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी अरेंज करो। मींस आपका जो प्रोडक्ट है उसे ओपन करके आपके सामने दिखाया जाएगा। जो प्रोडक्ट को आपने सेंड किया था अगर वो प्रोडक्ट नहीं रहता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मींस यहाँ पे आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी की फैसिलिटी दी जाएगी अगर आपका जो शिपमेंट है वो टेम्पर्ड आता है। कंडीशंस यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, इसमें वो मैच करना चाहिए। और उसके बाद जब आप रिजेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी होगी ओपन बॉक्स डिलीवरी जो है वो आपके लिए अरेंज करेगी। क्लेम्स देखिए, क्लेम्स रेज्ड फॉर शिपमेंट विच लुक टेम्पर्ड इन द वीडियो फोटो एविडेंस विल बी रिजेक्टेड। उसके बाद भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं शिपमेंट को, क्लेम करते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है शिपमेंट जो है वो टेम्पर्ड है, तो कभी भी क्लेम जो है अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सप्लायर शुड क्लियरली मेंशन द रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ टेम्पर्ड शिपमेंट इन द पीओडी। तो जब कुरियर वाले पीओडी लेकर आएंगे तो उसमें आपको रीजन भी लिखना है कि आपने क्यों शिपमेंट को रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे जो रीजंस दिए हुए हैं, इन रीजंस में जो भी आपका रीजन होगा वहां पे आपको फिल करना है कि डैमेज्ड आउटर पैकेजिंग या लेबल लुक्स टेम्पर्ड या आरटीओ फ्लायर डिफर फ्रॉम फॉरवर्ड फ्लायर, तो ये आपको वहां पे लिखना है। सप्लायर शुड नॉट मिस यूज द पॉलिसी टू रिजेक्ट शिपमेंट विच आर इन गुड कंडीशन। इफ अ सप्लायर इज रिजेक्टिंग शिपमेंट विदाउट एनी वैलिड रीजन, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन
अगेंस्ट द सप्लायर। अगर आप किसी ऐसे शिपमेंट को रिजेक्ट करते हैं जो कि अच्छे कंडीशन में है लेकिन फिर भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप यहां पे पॉलिसी को मिसयूज अगर आप करते हैं तो आपको इसके लिए पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पे लिखा हुआ है, मीन्स कुछ भी मीशो अपने तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है सप्लायर के खिलाफ जो है वो ले सकता है। तो अगर प्रोडक्ट शिपमेंट जो है अच्छे कंडीशन में है, उसमें कोई भी रीज़न नहीं है या इशू नहीं है, आपको एक्सेप्ट करनी है। और अगर आपको ये जो रीजंस है ये अगर मिलते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो ये अपडेट है आरटीओ रिटर्न से रिलेटेड, क्योंकि अब आपको जो टेम्पर्ड शिपमेंट है या डैमेज शिपमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करनी है। पहले आप एक्सेप्ट करते थे, वीडियो बनाते थे, उसके बाद आप क्लेम करते थे और बहुत सारे मिस्टेक्स भी आप कर देते थे जिसकी वजह से आपका क्लेम अप्रूव नहीं होता था। लेकिन अब आपको शिपमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, और जब आपका शिपमेंट जो है वापस चला जाएगा और ओपन बॉक्स डिलीवरी होगी, उस वक्त अगर आपका प्रोडक्ट सही निकलता है आप एक्सेप्ट करें, नहीं निकलता है नहीं करें, आपका जो क्लेम है वो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा अपडेट जो है ये मीशो की तरफ से है और सेलर्स को जरूर इससे बेनिफिट्स होने वाला है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।